नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। कोरोना वायरस को खुद से दूर रखने के लिए टीकाकरण अभियान चल रहा है केंद्र सरकार की तरफ से। देश भर में इसका जो दूसरा चरण है वो 1 मार्च से शुरू किया गया है और इस चरण में 60+ के जो लोग हैं यानी कि जो बुजुर्ग हैं उनको प्रायोरिटी पर रखा गया है। इसके अलावा 45 साल से जो ज्यादा उम्र के लोग हैं और जिनको कुछ गंभीर बीमारी है या फिर किसी भी तरह से सांसों से संबंधित समस्याओं को जो लोग फेस कर रही हैं उनके लिए ये प्रायोरिटी है कि वो शुरुआत में ही कोरोना वैक्सीन को लगवा लें। इन सब के बीच कई ऐसी दिग्गज हस्तियां हैं जिन्होंने कोरोना का टीका लगवाया है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर आप देख लीजिए, कई ऐसे दिग्गज हस्तियां निकलकर सामने आई हैं जो बारी बारी से कोरोना वैक्सीन लगवा रही हैं और साथ ही साथ देशवासियों में एक मैसेज पहुंचा रही हैं कि आप भी आगे आइए और कोरोना का टीका लगवा लीजिए। इन सबके बीच अब जितेंद्र ने और उनकी पत्नी ने भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है और इस बात की जानकारी उनके बेटे और बॉलीवुड एक्टर तुषार कपूर ने दी है। इंस्टाग्राम अकाउंट पर बाकायदा डॉक्टर के साथ जितेंद्र की और शोभा की तुषार कपूर ने फोटो साझा की है और अपने फैंस को जानकारी दी है कि उनके माता पिता और बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर जितेंद्र ने अपनी पत्नी के साथ इस अभियान में शामिल होते हुए कोरोना वैक्सीन लगवा ली है। बता दें आपको, जितेंद्र की उम्र 78 साल है जबकि जो उनकी पत्नी शोभा है उनकी उम्र 75 साल बताई जाती है। तो ऐसे में उनके लिए हर लिहाज से ये कोरोना का टीका जरूरी था जिसको इन दोनों ही सेलिब्रिटीज ने लगवा लिया है। बता दें आपको, ये जो कोरोना वैक्सीन लगवाते हुए फोटो तुषार कपूर ने साझा की है उसके साथ उन्होंने एक कैप्शन भी लिखा है और कैप्शन उन्होंने लिखा है, आखिरकार टीका लग ही गया। बता दें आपको, लगातार टीकाकरण का सिलसिला जारी है। अब तक कई दिग्गजों ने आगे आकर कोरोना वैक्सीन लगवाई है और साथ ही साथ लोगों के बीच मैसेज पहुंचाने की कोशिश की है। जिन सेलिब्रिटीज ने कोविड-19 की पहली डोज ले ली है उनमें दिग्गज अभिनेत्री और सांसद हेमा मालिनी भी शामिल हैं, कमल हसन, राकेश रोशन की खबर भी हमने आपको कुछ दिन पहले ही दिखाई थी, राकेश रोशन ने भी कोरोना वैक्सीन लगवा ली है। इसके अलावा सतीश शाह ने भी कोरोना वैक्सीन लगवा ली है। तो ये लेटेस्ट अपडेट जो थी बॉलीवुड सेलिब्रिटी से जुड़ी हुई जिन्होंने कोरोना वैक्सीन लगवाई है वो खबर हमने आपको दी। आप बताइए इस पूरी खबर को किस तरह से आप देखते हैं।